वहाँ पर ये बच्चा एक बॉल के साथ खेल रहा होता है और वहीं पर एक शेर छुपा होता है जो कि उस बच्चे को देख रहा होता है। वहीं इस बच्चे की माँ अंदर काम कर रही होती है। ये बच्चा धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़ रहा होता है, भी बहुत ज्यादा भूखा होता है और उस बच्चे का पास आने का इंतजार करता है। शेर के मुंह से लार भी गिर रही होती है और वो धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाता है। बच्चा बॉल को ऐसे उछका रहा होता है और बॉल उछक कर थोड़ा सा जंगल की तरफ चले जाती है। शेर उस बॉल को देख लेता है और धीरे धीरे बॉल की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चा भी दौड़कर बॉल उठाने जाता है और जैसे ही वो बॉल उठा के खड़ा होता है वो शेर को देख लेता है। शेर जोर से दहाड़ मारता है, बच्चा डर जाता है और मम्मी को जोर से चिल्लाता है। शेर दौड़कर बच्चे की तरफ आ रहा होता है और उसकी माँ भी सुन लेती है, जिससे कि वो घर के बाहर आ जाती है और घर के बाहर आकर देखती है कि उसके बच्चे के पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, जिससे कि उसकी माँ बहुत तेज दौड़ती है और बच्चे को उठा के अपने घर के अंदर ले आती है। लेकिन वो घर लकड़ी का बना हुआ था, जिसको कि शेर बहुत आसानी से तोड़ देता है और घर के अंदर घुस जाता है। माँ अपने बच्चे को खिड़की के बाहर फेंक देती है और बच्चे की माँ भी बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन शेर उनको अंदर खींच लेता है और अब शेर बच्चे की माँ को मारकर बाहर आ जाता है।